जा। बहकी सभी जुबां है हम है जा। नई कैमरा के साथ एंट्री, न्यू कैमरा। तो तू वहाँ पे व्लॉगिंग नहीं कर सकता था, एक भी क्लिप नहीं भेजी। भेजी बात ना, आज के व्लॉग में लटकी भी है एक ही, वही बस। अरे खा रहा था मम्मा, वंशु खाना खा भी। तो जी चिराग आ गया, नौटंकी, नौटंकी बच्चा आ गया आपका। ऐसा मैं नहीं कर सकती, करो ना मम्मा प्लीज, मैं आपका बताओ ना प्लीज, आई लव यू, करो ना एक्सचेंज, करो ना। ग्रैंडफादर जो है ना वो पापा से 26 साल बड़े होंगे, ऐसा लिखा होगा। एंड 29 इयर्स ओल्डर देन बाईजू, तो बाईजू ने एक्स लिया, तो बाईजू से कितना बड़ा है उसका पापा, 29 इयर्स। देखो रीड करो पहली लाइन अच्छे से, समझ आया दिया? तो आप अभी क्या लिखोगे, फादर से एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 29। अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रब। हाँ अभी सारा सारा प्लस हो जाएगा, सारा प्लस इज इक्वल टू टोटल एज दिया हुआ है। फिर टेक्स्ट बुक खोलो, माइनस क्यों होगा, माइनस क्यों होगा दिया? बस अभी सा, हाँ अभी सा, माइनस क्यों होगा? पापा की एज से ग्रैंड पापा 26 साल बड़ा है तो प्लस होगा ना, किसमें माइनस होगा? अच्छा आपकी आपकी एज कितनी है? 12। और आपकी मम्मी आपसे सपोज 20 साल बड़ी है, तो मम्मी की एज कितना रखोगे, प्लस करोगे कि माइनस करोगे? तो वही तो किया है हमने भी, ग्रैंडफादर में 26 मिलाया है क्योंकि हमने पापा की एज एक्स प्लस 29 रखी है, तो ग्रैंडफादर तो 26 साल बड़े हैं ना अपने बेटे से, तो हमने प्लस 26 किया है ना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू मस्ती की उड़ान। आज है 20 अप्रैल और अभी शाम के बज रहे होंगे 5:15। मेरा जस्ट अभी अभी ऑनलाइन लेक्चर था मेरा, वो अभी फिनिश हुआ है। और चिराग आ गया है, अपने मामा के घर गया हुआ था, वो बाहर अभी खेल रहा है। तो मैं बस शेयर करना चाहती थी आपके साथ कि आजकल जैसे माहौल चल रहा है कोरोना का, बहुत बहुत ही सीरियस माहौल चल रहा है बाहर, बहुत ही ज़्यादा खराब हालत हो गई है गाइस, रियली बहुत ही खराब हालत हो गई है बाहर की। तो अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें। 2-3 मैंने वीडियोस देखे सुबह, तो उससे मन क्या खराब हो जाता है। जैसे मैंने एक दो पोस्ट की थी, किसी ने मैसेज किया था, हमारा परिवार का जो व्हाट्सएप है उसमें मैसेज करते रहते हैं। तो एक वीडियो मैंने देखा जिसमें सिविल के बाहर का पूरा कंडीशन, मतलब सिविल के अंदर किस तरह लोग कैसे रह रहे हैं वहाँ पर, किस तरह, मतलब एक वीडियो तो ऐसा देखा था मैंने कि उस बंदे को कुछ नहीं था तो फिर भी यहाँ पे पट्टियाँ लगी हुई थी, यहाँ मतलब वो क्लेम कर रहा था कि मेरा जो पेशेंट है, मेरे जो भी होंगे उसके पापा होंगे या कोई भी होगा, मेरे पेशेंट की किडनीज वगैरह निकाली गई है। तो बहुत बुरी हालत है, रियली बहुत बुरी हालत है बाहर। तो बस अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें और जितना हो सके कम बाहर जाएं और प्रिकॉशंस लेते रहें, घर के इलाज जो भी होते हैं वो लेते रहें। मेरा बेटा है वंश, उसको भी 2 दिन से फीवर जैसे लग रहा है, तो मुझे भी थोड़ा टेंशन हो रहा है। वो मार्केट नहीं जा रहा है अपने बिजनेस के लिए, अभी 2-3 दिनों से वो नहीं जा रहा है, वो सोया हुआ है अंदर। हो सके तो मैं दिखाती हूँ उसको। तो बस उसका खैर ऐसा जॉब है, मतलब बिजनेस ऐसा है कि वो घर से ही कॉलिंग करके कर सकता है, तो दैट इज़ वेरी ग्रेट थिंग टू अस।
तो बस मैं यही शेयर करना चाहती थी, प्लीज़ अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, घर के प्रिकॉशंस लें। दैट्स इट गाइस, बहुत हालत ख़राब है बाहर की, जगह जगह ऐसे समझो ना कि पूरा झकड़ लिया है कोरोना ने सबको। तो मैंने और मेरे मिस्टर ने तो वैक्सीन ले ली है। फिर वैक्सीन लेने का भी मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं है। वैक्सीन लेने का मतलब है हमारी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होगी, जो डेडली इफेक्ट्स होंगे वो थोड़े कम होंगे। मतलब डॉक्टर्स ऐसे सजेस्ट कर रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद आप ऐसा मत सोचो कि आपको अभी कुछ नहीं होगा, स्टिल आपको वही चीज़ें, वही प्रिकॉशंस रखनी है, मास्क पहनना है, क्योंकि वैक्सीन इज अ काइंड ऑफ इम्यूनिटी बूस्टर। वो स्टैम्प नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा। तो वैक्सीन लगाने के बाद भी आप ध्यान दें अपना, और उसी तरह ही मास्क पहने, प्रिकॉशंस रखें। वैक्सीन लगाने के बाद ऐसे खुले आम मत घूमिएगा कि हमने वैक्सीन लगवाया है अभी हमें कुछ नहीं होगा, ऐसा मत ना करें। तो बस जल्दी आ गए, लेकर आए, ये थोड़ी मैंने बोला था, ये थोड़ी बोली थी, ये नहीं कर रहा, अभी देरी हो रही है, आइए ले जाएगा, नहीं जाएगा बता, सिर्फ ये नहीं कर रही है, चलो, ताशो बट ले जा रहे हैं, रावण वाली मुझे बनाने दीना, दाली वाली मुझे ले दीना, प्लास्टिक के दी कितनी है, ये प्लास्टिक किसे, हाँ, ये सुतिया ने, ये तो पहले यहाँ डिज तो मैंने ये कंटेनर्स मंगवाए थे, देख लीजिए ये 10 रुपए का एक, दही दही रुपए को चमचे सुधो, ये जल्दी फाटा ना, दही दही ये थोड़ी आ रहा, ये 10 रुपए का एक, ये से कितने हैं, ये 50 रुपए का, ये 50 का एक, इसकी प्लास्टिक अच्छी है, देखो इसमें चम्मच नहीं है, देख ना मैंने कोई नहीं है चम्मच, ये बॉटल अच्छी है, ये 20 रुपीज की एक बॉटल। तो मेरे मिस्टर आज जल्दी आ गए, ये अच्छी है, ये मैं अच्छा लग गया, कोई नम चमचों भी कोने बना, तो कोने बना एक ही बीस का होगा, तो ये तो महंगो चल रही है, ये महंगी है, महंगी है बहुत, 60 रुपीस की, और मैं कहा दीदी उठती है सुबह और सीधा गर्म पानी पहले फिर चाय नाश्ता, फिर आते ही तू वहाँ की अभी देव मेगा मामा मम्मी पापा कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं। सो नया फोन चेक कर रहे थे, ये वही फोन है जो नया लिया है मैंने। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। अभी क्या वेलकम कर रहे हैं, सुबह से कर चुकी हूँ, देखो अच्छी ना कैमरा। तो चिराग मामा के घर से आ गया है, चिराग व्यूअर से बात कर, इतने दिन ब्लॉगिंग नहीं की है, अभी तो बालवीर वाले लोग जो बालवीर बनाते हैं ना, प्लीज थीम बदलो, पूरे सीजन 2 चल हो गया बस थीम बदलो, सो बोरिंग। अब मैं बालवीर देखते देखते ये फोन ले रहा था, वरना बालवीर के अंदर आंखें निकलती रही थी, थीम चेंज कर, बालवीर वाले थोड़ी देर ये ब्लॉगिंग देख रहे हैं। अगर किसी के पास भी पहुंच जाए, ये पूरी वर्ल्ड में घूमता है, बहुत बेकार थीम लग रही है मुझे तो भाई, जो बालवीर बनाता है वो चिराग की कंप्लेन सुन लो, बहुत बोरिंग हो गया है, मैंने 5 घंटे बालवीर देखा ही नहीं, बहुत बोरिंग हो गया है। तो है ही था, आई मामा के घर तो कहाँ से देखेगा, उधर दिन को रिप्ले चलता है HD सोनी HD, बहुत बोरिंग है। अच्छा तो बताओ मामा के घर कैसा रहा एक्सपीरियंस, मजा आ गया, और अभी जो एग्जाम आने वाला, शायद अभी ट्विस्ट आने वाला है, अभी जो एग्जाम आने वाले हैं है, उसके बारे में आपकी क्या राय है, बहुत अच्छी राय है, एग्जाम आने वाले हैं अच्छी राय है। सो गाइस एग्जाम गवर्नमेंट में बहुत अच्छा ट्विस्ट आने वाला है, अब मुझे बहुत पसंद आ रहा है, गवर्नमेंट में कैंसिल कर दी है, पर जो प्राइवेट स्कूल है वो एग्जाम ले रही है, तो चिराग के एग्जाम से 10 दिन के बाद अभी रिविजन चालू हो गया है, चिराग खत्म बालवी, मैं कोई और सीरियल देखता हूँ उसमें ऐसा लगता है बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, उसमें लगता है इतनी देर क्यों लग रही है, लेकिन बालवीर यूं खत्म हो जाता है, इंटरेस्ट है ना। तो ब्लॉग आप बड़े बालवीर को मत मराओ, बेचारे को दूसरी बार मरा रहे हो, मत मराओ, इतना क्यों करता है, ये तो सीरियल है यार, सबका चहिता बालवीर है, आरती का, टीआरपी क्या बोलते,
टीआरपी कम हो जाएगी। बीच में बड़ा वाला भी मरा था, उसमें टीआरपी बहुत कम हो गई थी, वापस जिंदा करवा रहे पागल। इतना इमोशनल, इतना अरे इमोशनल नहीं, बोरिंग हो जाता है चीजें। अभी रात के बज रहे होंगे 7:30, मैं दाल चावल रखकर आई हूँ। आपको सीढ़ी की आवाज़ सुनाई दे रही है कि टीवी की आवाज़ सुनाई दे रही है? बेशरम सीढ़ी बजाता है। तो कितना सुना सुना होता था ना मेरा व्लॉग इसके बिना। ये नौटंकी आता है तो मजा आ जाता है। हेयर ड्रायर ले मंगवाया है इसने स्विमिंग पूल में हवा भरवाने के लिए। वो मैंने दिखाया है एक ब्लॉग में, मैंने दिखाया है। मामा के पास मस्त ब्लोअर है। पकड़। तो अभी अभी आते ही इसने क्या किया बताए? संभावना से किया ब्लॉग देखा भोजपुरी वाला, कितना हंसी थी नहीं उसमें। तो चलो गाइस, आज का पूरा व्लॉग जो है वो एंड करते हैं। एंड करें व्लॉग की। ये क्या कर रहा है? सो गाइस, अभी देव ऐसे करते हैं ना, गुस्सा करो अभी देव। सो गाइस देखते हैं अभी खाने में क्या बनाए। कल नाना खाई है मैंने, कल खाई था, मामी ने बनाई थी। चलो जल्दी से खाना खाने वक्त मिलते हैं। क्यों कहा जा रहा है? तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। विच इज मस्त की उड़ान, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए करो आप करो, टेक केयर, बहुत ध्यान रखें अपना, बहुत हालत खराब है बाहर। बाय करो, चलो अभी कैमरा बंद करो।